ठोक नहीं। माता के पास में जितना ग्रिल लगे हैं ये सब ग्रिल के खोल को साइड कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए, सभी लोग आएंगे दर्शन करेंगे। अमिया जी हेलो, अरे भाई हेलो, क्या हो गया, कहा तुम एक बार तू दे दे यार, आगे भी व्यवस्था तो चाबी खोलना है, बात बात बता सी करता है, चलो चलो खोलो दो जल्दी पटाएंगे, खोल कर सको ना, सभी दर्शकों दो ही दानव और मानव इस सृष्टि पर है, कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है, दो ही जाति है, दानव और मानव। जो अच्छे काम करता, परोपकार करता, दूसरों के भला करता, दूसरों के सेवा करता, इसको मानव में गिनती आता है। जो चोरी बेईमानी डकैती दूसरों को बुरा करता है इसको दानव में गिनती आता है। तो दानवो कितना भी तुम बड़ा होगा करेगा तो चोरी सामने तो आएगा नहीं। और अगर कोई दानव में इतना शक्ति है कि आजा मंच पर कि मैंने दानव हूं, मैंने उस दिन उपद्रव किया था, इतना हिम्मत तक कर दे यार मंच पर तेरे भी एक माला दे दूंगा, कहूंगा हाँ यार कम से कम ये दानव तो रावण जैसा है कि सामने सामने जब सुपनेखा गई थी, आज सुपनेखा ने रावण को दरबार में गया, रावण ने पूछा, सुपनेखा ने कहा, बोला भाई खरदूषण, भाई खरदूषण कहाँ हो, सुपनेखा ने कहा भाई खरदूषण तो पहले मर चुका हूँ कुमार के साथ। हो रावण ने कहा फिर मानव नहीं हो सकता, फिर तो नारायण धरती पर आ चुका है, क्योंकि खरदूषण के बल भी मेरे इतने ही बल था। भाई खरदूषण मोहन जी पर आइए, भाई खरदूषण के बल भी मेरे इतने ही बल था, भाई खरदूषण के कोई मानव नहीं मार सकता, मुझे लगता है अब धरती पर भगवान आ चुका है और अब हमारा यही बारी है, अब मुझे, क्योंकि मैं तो दानव हूँ, मैं पूजा पाठ तो कर नहीं सकता और पूजा पाठ करूंगा नहीं तो भगवान मुझे दर्शन नहीं देगा, तो भगवान से दुश्मनी से ही भगवान दुए समय दर्शन देता, या तो पूजा पाठ के माध्यम से या तो विरोध के माध्यम से। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तुमको लगता रामदेलवा महतो पूजा करके मैया रानी का कृपा पा गया, श्री राम को कृपा पा गया, जब जो चाहता वही कर लेता, दिल्ली में कर लेता, बिहार में कर लेता, अरे नेता में टिकट मिल जाता, चुनाव जीत जाता, अरे जब चाहो वही कर लिया, तो ये मैया का आशीर्वाद है मेरा नहीं, ये प्रभु राम का है मेरा नहीं। अगर आप लोगों के लगता है कि मैं रावण वाला काम करूं हूं तो यानी मंच पर आजा, कम से लोग के पता तो चले हाँ ये कोई जवान है कि उस दिन तो चोरी से बदमाशी किया, आज रावण जैसे मंच पर आया, यार माला तो हाथ डाल ही दूंगा, आजा आओ आजा बाबू, मगर कहा दूध मुझे लगता नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति जन्म लेते ही ना ये दुकान के दूध पिया जाता है, ये माँ का दूध नहीं पीता, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेता धरती पर वो माँ का दूध नहीं पिया होगा, ये दुकान का दूध पिया होगा, बोतल वाला बोतल वाला, नकली दूध पी के नकली के औलाद, छठ पूजा भी होगा, दिवाली मेला 6 तारीख से शुरू हो रही है, 12-13 छठ पूजा होगा, 23 तारीख को सामा चकेवा होगा, ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा, चलते हैं हाथी उल्टा है ध्रुव, चलता है तेरे जैसे कमीना तो खिलता है फूल, इसलिए ध्यान रखना। तो बाबू देख इधर जो सोफा हमारे ग्राउंड खाली करके लगाया गया है,
इन सोफा पर कोई खड़ा मत हो, बैठो मत, फिर पिछले लोग डिस्टर्ब होगा, फिर पिछले लोग डिस्टर्ब होगा। बाबू बच्चे प्लीज, हाँ वो दिन नहीं है आज, बहुत हो गया। इसलिए इसको मैंने लगाया कि ये मेरी पेट के रक्षा हो। और आप लोग नीचा देखो, अब इस पर बैठता है पीछे के लोग कैसे देखेगा, आए तो उतरो, नहीं तो बता दिया फिर आज गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये सोफा पर मत बैठो कि दूसरे लोग का डिस्टर्ब हो। कार्यक्रम ऐसा बनाओ आपको भी दिक्कत न हो, सामने वाले को भी दिक्कत न हो। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है, हमारा कोई भी गेस्ट आए हैं मंच पर आ जाए, हमारा किसी भी कार्यकर्ता की पत्नी परिवार आए हैं तो आप भीड़ से निकल। कैमरा भाई पैसा लगा इसका भाई, जब पैसा लगता है ना तो चीज भी बड़ी ही आती है।
Thank you.